नमस्कार, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आपका। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि को मनाया जाने वाला दिवाली विशेष रूप से माता लक्ष्मी की आराधना के लिए जाना जाता है। इस वर्ष 27 अक्टूबर यानी रविवार को दीपावली का पावन पर्व मनाया जाएगा। कार्तिक माह के आरंभ से ही इस त्योहार की तैयारी होने लगती है। सुख समृद्धि की कामना हेतु प्रत्येक व्यक्ति हर साल दीपावली पर अपने घर की साफ सफाई जरूर करता है, ताकि धन की देवी लक्ष्मी उनके घर में वास करे और उनकी आर्थिक परेशानियों को दूर करे। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का वास उन घरों में नहीं होता जहां पर गंदगी और अशुभ चीजें होती हैं। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार दीपावली पर घर में टूटी फूटी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं दीपावली की साफ सफाई करते वक्त आपको किस किस सामान को घर से बाहर कर देना है। टूटे हुए शीशे की चीजें, यदि आपके घर में किसी भी कोने में टूटा हुआ शीशा रखा है या फिर आपकी खिड़की में टूटे हुए शीशे लगे हैं, तो उसे तुरंत घर से बाहर करें और उसकी जगह नया शीशा लगवाएं। घर पर टूटा शीशा रखना अशुभ होता है। खराब इलेक्ट्रिक सामान, यदि आपके घर में कोई इलेक्ट्रिकल सामान खराब पड़ा है तो उसे तुरंत बनवा लें, या फिर अगर वो इस्तेमाल में नहीं हो रहा है तो उसे दीपावली से पहले घर से बाहर करें। खराब पड़े ये बिजली के सामान आपकी सेहत और सौभाग्य दोनों के लिए अशुभ साबित होंगे। खंडित मूर्तियां, कभी भूलकर भी किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्य को दूर करने के लिए दिवाली से पहले ऐसी फोटो और मूर्तियों को जरूर किसी पवित्र स्थान में ले जाकर दबा दें या फिर प्रवाहित कर दें। छत के हिस्से को जरूर साफ करें। सफाई करते हैं छत भूल जाते हैं। इस दिवाली से पहले घर की छत साफ करें और पहले पड़े हुए कूड़े या कबाड़ या प्रयोग में ना आने वाली चीजों को घर से बाहर कर दें। बंद पड़ी घड़ी, वास्तु के अनुसार घड़ी आपके प्रगति का प्रतीक होती है। ऐसे में बंद घड़ी निश्चित रूप से आपकी उन्नति में बाधक है। इसीलिए यदि घर में खराब घड़ी है तो उसे दिवाली से पहले जरूर घर से निकालकर बाहर कर दें। पुराने पड़े जूते चप्पल, दिवाली के त्योहार में पहले घर की सफाई करते समय अपने पुराने जूते चप्पलों जिनका प्रयोग नहीं करते हैं उन्हें घर से बाहर करना ना भूलें। फटे पुराने जूते चप्पल घर में नकारात्मक और दुर्भाग्य लाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको इस दीपावली पर घर की सफाई करते वक्त ध्यान रखना है, इनको बाहर करना है, और इनको बाहर करेंगे तभी लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेंगी। तो ये दीपावली आपके लिए शुभ हो, धन धान्य से भरपूर हो और आपके सारे काम बने। इसी दुआ के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।